अब इंस्टाग्राम पे वायरल होना और भी ज्यादा आसान है गाइस, क्योंकि इंस्टाग्राम यहाँ पे आपको खुद बता रहा है। वीडियो एंड तक देखोगे सारी बातें समझ जाओगे। दोस्तों इंस्टाग्राम का न्यू अपडेट आ गया है जिसमें इंस्टाग्राम खुद सारे सीक्रेट्स आपको बता रहा है, जिससे आपका पेज ग्रो हो पाएगा और आप सोशल मीडिया पे जैसे ही ज्यादा फॉलोअर्स ज्यादा रीच लेके आओगे आपके पास ब्रांड एंडोर्समेंट्स आएगी और आप पैसे भी कमा पाओगे। तो इसको करने के लिए आपने फटाफट करना क्या है, आपने जाना है अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आपने क्लिक करना है बेस्ट प्रैक्टिसेस पे। अब जैसे यहाँ पे आप आओगे गाइज, मैं स्क्रीन शॉट साथ में लगा रहा हूँ, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नया फीचर इंस्टाग्राम का, और नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि ये फीचर क्या आपको दिख रहा है कि नहीं। तो जैसे ही आप बेस्ट प्रैक्टिसेस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम बता रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आप इसको फॉलो कर देते हो तो भाई 2025 शुरू होने वाला, कुछ ही महीने रह गए, 2025 आने तक आपका पेज ग्रो होने लगेगा और यू नेवर नो कि आप जल्दी से जल्दी 2025 के स्टार्टिंग में ही अपने पेज को और भी ज्यादा बड़ा कर पाए। सबसे पहले करना है 10 रील्स मिनिमम आपको बनानी है। देखो ज्यादा बनाओगे तो सही, और यहाँ मैं एक महीने की बात कर रहा हूं। इंस्टाग्राम यहाँ पे आपके कह रहा है, जैसे आप देखोगे कि अगर आपने 10 रील महीने की बना ली है, दे बोल रहा है आपको यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपने 10 रीलें बना ली हैं। तो सोचो जो लोग दो दो चार चार रील बना रहे हैं, महीने में 30 40 50 रील बना रहे हैं, उनका पेज इतना जल्दी ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू आपका पेज अगर आप कम रील्स डाल रहे हैं। सेकंड इंस्टाग्राम आपको बोल रहा है, जो कि मैं भी बहुत बार आपको वीडियोस में बोल चुका हूं कि कंसिस्टेंसी इज द की, कि आपको रेगुलर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे अगर आप सेकंड पॉइंट देखोगे, मेक क्रिएटिंग रील्स पार्ट ऑफ योर रूटीन, मतलब भाई सुबह उठते हो, खाना खाते हो, जो जिम जा रहा है जिम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है ऑफिस कर रहा है, पढ़ाई वाले पढ़ाई कर, आपकी एक नॉर्मल रूटीन बनी हुई, आपका एक रेगुलर ये डेली लाइफस्टाइल है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम कह रहा है कि अगर आपको ग्रो करना है तो इस चीज को आपने एक डेली रूटीन में एज अ लाइफस्टाइल आपने इसको यूज करना है और इसको फॉलो करना है। तीसरा, कैप्चर अटेंशन विद फोटोज। अब गाइज यहाँ पे एक नया अपडेट जब से आया है वो है कराउजल डालने का, और जितने भी दोस्तों को नहीं पता कराउजल क्या है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाता हूं कि आप एक फोटो पोस्ट में कम से कम 5, 8, 9 फोटोज आप अपलोड करें। अब सिंगल फोटो की जो रीच है वो इंस्टाग्राम ने कम कर दिया, वो चाहता है आप ज्यादा से ज्यादा फोटो डालो। और इसका फायदा क्या है, फायदा ये है गाइस कि अगर आप देखेंगे आपने एक फोटो डाली और आप स्क्रोल कर रहे हैं, वो फोटो कब निकल गई, किसी ने पोस्ट करी, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप एक चीज नोट करना, कई बार आप स्क्रोल कर रहे होते हो, जो कराउजल उसने डाला उसकी तीसरी या चौथी फोटो आपको दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 7, 8, 9 फोटोज डाल दिए तो इंस्टाग्राम हर रिसाइकिल, जैसे बंदा कोई फोन ऑफ करके ऑन कर, सपोजिंग कोई यूजर है जिससे आपकी पहली फोटो मिस हो गई है, तो इंस्टाग्राम कोशिश करेगा सेकंड या थर्ड फोटो या फोर्थ फोटो उस यूजर को दिखाए ताकि वो आपके पेज पे आए। तो आपने कराउजल पोस्ट करना है, सिंगल फोटो पोस्ट करना बंद कर दो। और सेम टाइम पे नीचे बोल रहा है इंस्टाग्राम कि भाई एडिंग ऑडियो विल ऑल्सो गेट पोस्ट शोन मोर। कोई भी ऑडियो आप अपनी पोस्ट पे डालोगे, इससे चांसेस ये हैं कि आपकी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आपने पहले के 3 सेकंड कहते हैं मेक इट काउंट। यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो यार, ऑडियंस की जो रिटेंशन है वो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा कम हो गया। देखो अगर आप इस चीज से शुरू कर रहे हो, हाय दोस्तों क्या हाल है वेलकम बैक, तो मेरे 3-4 सेकंड तो चले गए, कोई हुक ही नहीं रहा। कोई शुरू के जो 3 या 5 सेकंड थे जहां पे बंदे को उतना एकदम इंटरेस्ट, एकदम कितना कुछ लगा, अरे अरे क्या बोलने वाला है इसकी बात पे, तो आपको शुरुआत के लिए कोई ना कोई हुक रखनी है। मेक योर 3 फर्स्ट 3 सेकंड काउंट, वो भी यहाँ पे इंस्टाग्राम ये बोलना चाह रहा है। बोरिंग बातें मत करना, सीधा मुद्दे पे आओ, कोई हुक यूज करो, ऐसी चीज बोलो कि बंदा बोले अच्छा ये कुछ बोलने वाला है, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, इसकी बात सुन के जाता हूँ। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इंस्टाग्राम यहाँ पे दोस्तों आपको बता रहा है कि आपने अपनी टाइमिंग्स जो है वो चेक करनी है। अब आज की डेट में जो कम टाइम वाली रील्स हैं, ठीक है उस पे व्यूज वगैरह ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन वहाँ फॉलोअर्स इतने ज्यादा नहीं मिलते। इंस्टाग्राम खुद आपको बोल रहा है कि रील्स दैट आर 30 to 90 seconds गेट बेटर एंगेजमेंट, और इसके बाद बता रहा है आर शोन टू मोर पीपल, रील्स ओवर 90 seconds वोंट बी रिकमेंडेड टू न्यू ऑडियंस। तो 30 से 90 सेकंड के नीचे रख। मेरी जो रील्स ज्यादातर वायरल हुई है, मैंने देखा है 40 सेकंड, 45 सेकंड्स, इस वाली जो रील्स है उससे मेरे को बहुत सारे व्यूज भी मिले हैं, उससे मेरे को ज्यादा फॉलोअर्स भी मिले हैं। तो आपने इस चीज को भी माइंड में रखना है। एंड अगेन इन्होंने बोला है कि रील्स के लिए भी आपने ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना है। बहुत आसान है ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना गाइस, जैसे ही आप कोई पोस्ट करते हो नीचे आप म्यूजिक का बटन दबाओगे आपको सारे ऑडियो दिखने लगेंगे। अगर आपको वैसे कोई ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढना है, आप अपने सर्च बार पे जाओ, वहां पे जाके आपने लिखना है ट्रेंडिंग ऑडियो पे जाओगे तो सारे टॉप के जो ट्रेंडिंग ऑडियो है वो आपको नजर आने लगेंगे। सो अगर आप उनमें से हैं जो फैशन के आउटफिट्स वाले वीडियो बना रहे हैं, या कुछ आप मेकओवर के वीडियोस बना रहे हैं, जिम की एक्सरसाइज करते हुए हैं, या कुछ कुकिंग की वीडियो डालना, तो ये ट्रेंडिंग ऑडियो डालोगे तो यहाँ पे आपकी जो रीच है उसको बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे गाइस। तो ये चीज को माइंड में रखना। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों को अभी तक ये गलतफहमी थी, बीच में इंस्टाग्राम ने बोल दिया था भाई हैशटैग्स काम नहीं कर रहे, हैशटैग यूज करना बंद कर दो,
दो, तो ये बीच में एक फेज आया था। लेकिन अब यहाँ इंस्टाग्राम खुद बोल रहा है ओनली यूज रेलिवेंट हैशटैग। अगर सपोजिंग मैं फोटोग्राफी की रील बना रहा हूँ और मैं उस पर डाल दूं भाई क्लब जिम बीच, तो वो उसके साथ रेलिवेंट नहीं है। सेम अगर मैं कोई, अगर आप में से कोई मेकअप आर्टिस्ट है, वो मेकअप का ट्यूटोरियल बना रहा है, मेकअप की कोई रील बना रहा है, तो उसके अंदर आप फोटोग्राफी के हैशटैग नहीं डाल सकते, आपको मेकअप रिलेटेड ही डालना है। और इंस्टाग्राम भी यहाँ आपको बोल रहा है भाई जितनी रेलिवेंट हैशटैग्स आप यूज करोगे, जो आपकी रील को आपके कंटेंट को बताता है कि किस चीज से रिलेटेड है, वहां पे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा। सो आज से आपको भी यही चीजें करनी है, ये सारी चीजें, ये सारे जो स्टेप्स इंस्टाग्राम ने बताए हैं, इसको अगर आप फॉलो करेंगे आपकी भी रीच जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। एंड आई होप ये आज के टिप्स आपको पसंद आए। अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है आपका सोशल मीडिया को ग्रो करने को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं जरूर उस पे वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और जाने से पहले लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।